हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज फिर से हम किसी की बायोग्राफी तथा किसी की लाइफ स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मनकीर्त के बारे में। यह एक भारतीय पंजाबी गायक और अभिनेता है जो कि हरियाणा के निवासी हैं। और ये पंजाबी गाने गाने से पहले एक हरियाणा कबड्डी के खिलाड़ी थे। इन्होंने कभी तक गानों में अपनी आवाज दी थी, जिनके जरिए उन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इनके कुछ गाने जो लोगों को बहुत पसंद आए, गल्ला मिठिया, जुगाड़ी जट आदि, इनके बाद इन्हें हर कोई बड़ी अच्छी तरीके से जानने लगा। तो ये पंजाब के निवासी हैं, लेकिन सन 1900 में इनका परिवार हरियाणा में रहने के लिए चला गया। इनके एक भाई जिनका नाम रवशेर ओलक है, इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव के किसी स्कूल में पूरी की। उसके बाद अपने कॉलेज के लिए ये DAV कॉलेज गए। पहले कबड्डी खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनके घुटने की चोट लगने के कारण इन्होंने कबड्डी छोड़ दी तथा सिंगिंग में अपना करियर जमाना चाहा। इनका पहला गाना लोगों को पसंद नहीं आया। इन्होंने खुद के लुक को ध्यान देते हुए खुद को दो साल हैंडसम बनाया। कुछ गानों ने अपना धमाल मचा दिया। ये अपनी कॉलेज के दिनों में एनुअल फेस्ट और यूथ फेस्ट सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया करते थे। पंजाबी गानों में आने से पहले ये कबड्डी खिलाड़ी और रेसलर हुआ करते थे। इनकी और अम्मी वीर एक साथ सिंगिंग क्लासिकल ली थी। 2013 में इनका पहला गाना आया दर्शन करके, जिसे लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया। 2014 में इनका दूसरा गाना आया काका जी आया, जिसने काफ़ी प्रसिद्धि पाई। उसके बाद 2015 में इनका गाना गला मीठी आया, जिसको लेकर लोगों ने बहुत ही उन्हें व्यूज़ दिलाए, 40 मिलियन व्यूज़ पाए। मनकीर्त ने अभी तक बहुत से गाने गा दिए हैं और अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, और आजकल पंजाब इंडस्ट्री में बहुत ही अपना नाम बनाते जा रहे हैं। ऐसे ही मजेदार जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को।